गाइस, वेलकम बैक टू द चैनल। कैसे हो आप लोग? आई होप कि सब लोग अच्छे होंगे। एंड मेरा नाम है शालू, जिनको नहीं पता है, और वेलकम टू अनदर ब्लॉग। सो आज है संडे, और आज मैंने सोचा था, कल रात को सोच के सोई थी कि आज सुबह से ब्लॉगिंग वगैरह करूंगी, बट आज इतना सारा काम था तो मैंने सोचा कि पहले सारा काम फिनिश ही कर लेती हूँ। घर का मतलब कुछ चीजें अरेंज करनी थी। एक जो रूम है ना, तीसरा वाला, तो उसमें जितने भी सामान आते हैं तो उसमें हम लोग डंप करते जाते हैं, तो उसको रूम को क्लीन करना था और सारा सामान वगैरह अरेंज करना था। अभी भी बालकनी में सामान है ही, क्योंकि कल से यहाँ पे लॉकडाउन होने वाला है, तो इस वजह से कुछ सामान हमने ऑर्डर कर ही लिया था, तो वो तो अभी रात में भी कर लूंगी मैं सारा सैनिटाइज वगैरह करके। और बाकी जितने भी चीजें थी, जैसे आदू का रूम था तो उसको पूरा क्लीन करना, सारा सामान उठा उठा कर, ड्राइंग रूम, बेडरूम, तो सब मतलब सारे रूम को आज पूरा सामान हटा हटा कर पूरा आज क्लीन हुआ है घर। ऐसे तो डेली क्लीन होता ही है, बस झाड़ू पोछा नॉर्मली ऐसे ही लग जाता है, बट आज करना बहुत जरूरी हो गया था, तो आज सेवलॉन वगैरह डालकर सारा डिसइंफेक्ट किया मैंने, तो वो सारा चीज होना। फिर खाना वाना बनाया, सिंपल सा कैबेज का पराठा बना दिया था दोपहर को। सुबह में बनाया था साबूदाना की खिचड़ी, एकदम जल्दी जल्दी में खाना भी बना था, तो सिंपल ही सा था, तो मैंने उस टाइम भी ब्लॉग नहीं किया। तो उसके बाद शाम को इतना मैं थक गई कि थक के सो गई, और अभी उठी हूँ, एक घंटा हो चुका है उठे हुए। उठ के बस बैठी हुई थी, कुछ करने का मन नहीं कर रहा था, और फिर नहावा कर और अभी जस्ट चाय बना रही हूँ। आज शाम का चाय भी नहीं हुआ, 7:30 हो चुका ऑलरेडी, और आदू अभी खेल रहा है पीछे, आप लोगों ने देखा ही होगा। तो उसके लिए हमने एक सरप्राइज ऑर्डर किया था, तो 2-3 दिन हो चुके हैं उसके लिए, तो मैं आज हम लोग उसको ओपन करेंगे, तो देखते हैं उसका रिएक्शन। और पीछे ब्लॉक्स लेकर आया तो वो आवाज आ रही है। तो आज पराठा वगैरह खाया है, तो रात में तो दाल चावल या फिर सब्जी चावल, देखते हैं क्या बनता। सिंपल सा कुछ बनाऊंगी, लेकिन चावल बनेगा, क्योंकि हम लोग मतलब एक टाइम तो चावल खाना ही है। अगर दोपहर को खा लेते हैं चावल, तो रात को रोटी खाते हैं जनरली, बट आज जैसे कि चावल खाया ही नहीं है हमने, तो चावल ही बनाऊंगी फिलहाल, तो चाय पी लेते हैं, उसके बाद देखते हैं क्या होता है। बापरे, संडे को सब लोग बहुत एंजॉय करते हैं, और हमारे यहाँ संडे को और डबल काम हो जाता है करने के लिए, क्योंकि फिर जैसे आशु ने आज वैक्यूम वगैरह सब कुछ चला दिया था, और उसके बाद मैंने सारे रूम में पोछा लगाया, सारा सामान हटा वटा के, और अभी कुछ कुछ चीजें बाकी ही है करना। मतलब क्लीनिंग ऐसी चीज है कि आप जितना भी कर लो घर में, वो हमेशा बाकी रहती है। तो आदू क्या कर रहा है बेबी? इधर आदू का ट्रक चल रहा है। तो चलिए फिर इसको खेलने देते हैं, मैं चाय बना लेती हूँ, फिर मैं आप लोगों से बातें करती हूँ। गाइज, ये है वो सरप्राइज जो कि हम लोग आज आदू को देने वाले थे, और बहुत दिन से मैं उसको बोल रही थी कि तुम्हारे लिए टेबल चेयर आ रहा है, टेबल चेयर आ रहा है। दिन में वो सोता था तो मैं उसको बोल के सोती थी कि शाम को आज हम लोग ओपन करेंगे, तो आज वो दिन आ गया, और 2-3 दिन पहले ही हमने मंगाया था, और अच्छे से स्टरलाइज करने के बाद हम लोगों ने इसको ओपन किया है। तो यहाँ पर देखिये, ये 2 चेयर और 1 टेबल का कॉम्बो है, और कलरफुल टाइप का है, और इसके जो भी पिलर्स हैं आप बहुत ईजिली लगा सकते हो, सारा आप अच्छे से मतलब बहुत ईजिली लग सकता है। तो अलग अलग पीसेस में ये दिया हुआ था, और आप देख ही सकते हो आदू भी बहुत ज्यादा एक्साइटेड था, वो भी अपने पापा के साथ ही लगाने में, सारे पिलर्स और सेट करने में लगा हुआ है। तो इस तरीके से कुछ दिखेगा, एक चेयर लग गया है और वो उस पर बैठने के लिए पूरा रेडी हो चुका है, और बस यहाँ पर पूरा एंजॉय कर रहा है वो अपने पापा के साथ। तो काफी अच्छा है, प्लेइंग टेबल चेयर है, आप इस पे बच्चों को खिला भी सकते हो, बैठ के एक्टिविटीज करा सकते हो, तो मुझे तो काफी पसंद आया, और ये स्पॉन्सर्ड बिल्कुल भी नहीं है। अभी ये दो, इसके क्या करते हैं, हाथ उठाओ, हाथ उठाओ, ये कवर हटेगा। वाह सुंदर। और ये है इसका हैंगर, ठीक है,
बैग इज रेडी और आज का ब्लॉग। तो इस टेबल चेयर के साथ ब्लॉक्स भी दिया हुआ है एंड 4000 के करीब मुझे पड़ा था, मतलब 4200 समथिंग, और ऐसे इसका प्राइस 6000 था, बट डिस्काउंट था ये फ्रॉस्ट्राई पे, तो उसी से मुझे मिला था। और यहाँ पर बैग भी दिया हुआ है, तो आप ब्लॉक्स डाल सकते हैं उसमें खेलने के बाद, तो बच्चे भी डाल सकते हैं, एंड आफ्टर दैट आप और भी जो पहले भी बोला मैंने कि एक्टिविटीज करा सकते हैं आप इस पे। तो यहाँ पर देखिए आदू अब अकेले भी पूरा लगा हुआ, उसको बहुत मजा आ रहा था खेलने में। और नई नई जब भी कुछ चीज आती है तो बच्चे बहुत ज्यादा एक्साइटेड हो ही जाते हैं, तो दो तीन दिन तक उनका एक्साइटमेंट इसी तरीके से बना रहता है। और उसके बाद फिर मैं उसको अभी तो इसी के साथ उसको खेलने के लिए दे देती हूँ, और उसके बाद देखती हूँ फिर नेक्स्ट पेंटिंग वगैरह करवाऊंगी या कलर करवाऊंगी या फिर और भी एक्टिविटीज कराऊंगी इसमें। तो ये देखिए क्या कर रहा है, वो इधर से उधर उधर से इधर टेबल चेयर उस लगा हुआ है करने में, उसको लग रहा है कि क्या क्या कर सकते हैं हम लोग। और सबसे अच्छी बात इस टेबल के साथ है कि कवर भी दिया हुआ है, तो बच्चे इस पे आराम से बैठ के खा भी सकते हैं। यहाँ पर मैं आ गई हूँ डिनर बनाने, एंड आदू और उसके पापा खेल रहे हैं ड्राइंग रूम में, और आदू तो आज सुपर एक्साइटेड है तो उसको खेलने देते हैं, और आज बहुत ज्यादा लेट भी हो गया है। तो फटाफट से मैं दाल चावल और भुजिया बना रही हूँ, बहुत अच्छा लगता है कभी कभी सिंपल खाने में, और ऐसे भी हम लोग सिंपल ही खाना खाते हैं, और
दिन में आज पराठा वगैरह खा लिया था तो और ज्यादा कुछ हम लोग डेली डेली तेल मसाला बहुत अवॉइड ही करते हैं खाना, लेकिन आजकल उतनी सब्जियां नहीं मिल रही है तो आलू से ही काम चलाना पड़ जा रहा है। जैसे कल भी मैंने आलू की सब्जी बनाई थी तो आज आलू का भुजिया बना रही हूँ मैं। तो बस आलू को कट करके और अच्छे से उसका पानी वगैरह निकाल दिया था मैंने, यहाँ पर देखिए ड्रेन कर दिया है उसका पानी, और बस सरसों के तेल में थोड़ा सा मिर्च और जीरा ऐड करके आपको अच्छे से फ्राई कर लेना है आलू को। और मसाले, हल्के से मसाले बस इसमें पड़ते हैं, जीरा पाउडर और थोड़ा सा गोलकी पाउडर पड़ता है, थोड़ा सा लाल मिर्च, बस इतना ही मैंने इसमें डाला है। हल्दी नमक तो डालना ही होता है। और बस ये भुजिया बहुत टेस्टी लगता है खाने में, तो हमारा भुजिया बनकर रेडी हो चुका है। फाइनली सारा काम ओवर, संडे ओवर। अब फिर से कल एक नई शुरुआत। तो अभी बज के 12, 12 क्या 12:15 हो चुका है, और बस अभी आदू को दूध दूंगी मैं, दूध पिएगा वो। सो आज का दिन बहुत ही बिजी बिजी था और थोड़ा आराम भी हुआ, बहुत सारा काम हुआ, तो इट वॉज़ अ नाइस डे, नाइस संडे। और लॉकडाउन, मैंने सोचा था आज शाम को हम लोग जाएंगे, कल मैं बात भी कर रही थी आशु से कि मतलब कल से लॉकडाउन स्टार्ट हो रहा है पुणे में, तो आज सोचे थे कि शाम को कहीं पे भी थोड़ा सा घूम के आएंगे, बट शाम को सो गई और फिर नहीं जा पाए, और फिर आदू भी खेल रहा था घर में, तो फिर प्रोग्राम पोस्टपोन्ड ही कर दिया कि चलो ठीक है, अब लॉकडाउन के बाद देखा जाएगा कि क्या होता है। होपफुली ये लॉकडाउन से सब सही हो जाए यार, बहुत अब तो बहुत ज़्यादा लग रहा है, देखते हैं। आज आदू इतना खुश हुआ अपना चेयर टेबल देख के, मम्मा न्यू टेबल, मम्मा न्यू चेयर, और बहुत ज़्यादा उसको अच्छा लगा। मतलब शाम से जब से ओपन किया है उसको तब से उसी में लगा हुआ है वो, तो बच्चे कितने एक्साइटेड हो जाते हैं नई नई चीज़ों को लेकर। ओके और अभी जस्ट फेस वॉश किया, कपड़े चेंज कर लिए हैं मैंने, और मैंने फेस पे देखिए बहुत सारे पिंपल्स आ रहे हैं, तो मैं बिल्कुल भी ध्यान नहीं दे पाती हूँ, देती मतलब मुझे बहुत, मैं इस मामले में बहुत ज़्यादा लेज़ी हूँ कि अपने फेस पे ध्यान देना, तो अब सोच रही हूँ कि नहीं फेस पे भी ध्यान देना, मतलब स्किन पे ध्यान देना बहुत ज़रूरी है, अदरवाइज पिंपल्स वगैरह बहुत, क्योंकि हम लोग हमेशा ना किचन में रहते हैं, ऑयली ऑयली फेस होता है, फिर उसके बाद साफ़ सफाई में तो उतना वो नहीं हो पाता है। बट अभी बस अभी तो फेस वॉश किया है और अभी थोड़ा सा मैं बोरोलिन लगाऊंगी, क्योंकि मैं रात को बोरोलिन लगा के, मतलब पहले जब मुझे पिंपल्स होता था ना जब मैं कॉलेज में थी, तो उस टाइम पे रात को मैं बोरोलिन ही लगाती थी, तो वो बहुत इफेक्टिव होता था मेरे लिए, और कुछ भी मुझे ज़्यादा कुछ सूट नहीं करता है, तो बस वही लगाती हूँ, तो अभी बस वही करूँगी। गाइस बाय बाय, लव यू ऑल, टेक केयर, सी यू अनदर ब्लॉग, प्लीज डू लाइक शेयर एंड कमेंट, बाय बाय बाय, कर दो सबको, बाय यू, लव यू ऑल, टेक केयर, टेक केयर, बोल दो आई एम गोइंग टू स्लीप, सी यू टुमारो। और ये दूध कौन पिएगा, किसका दूध, किसका दूध है ये दूध, लग जा गले कि फिर ये हंसी रहते हो ना हो, शायद फिर से जन्म में मुलाकात हो ना हो, चंदा है तू नहीं तो कौन सा गाएंगे, चंदा तू, चंदा है तू मेरा सूरज है तू, ओ मेरी आँखों का तारा है तू, जीती हूँ मैं बस तुझे देख के, इस टूटे दिल का सहारा है तू, चंदा।